सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज, मेरा नाम है सक्षम त्यागी और आप देख रहे हैं एसटी सीरीज यूट्यूब चैनल। गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी JioSawan आर्टिस्ट अकाउंट के ऊपर प्रोफाइल पिक कैसे लगा सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लूँगा, सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मैं आज ये बताऊंगा कि आप अपने JioSawan के आर्टिस्ट अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक कैसे लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दो चीज़ें जरूर से समझनी होंगी। सबसे पहला कि आपका प्रोफाइल पिक सेट करने के लिए JioSawan के ऊपर एक आर्टिस्ट अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका आर्टिस्ट अकाउंट नहीं होगा तो आप अपनी प्रोफाइल पिक भी कहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि जब आपका अकाउंट ही नहीं है JioSawan पर तो आप पिक तो जब ही लगाएंगे जब आपका अकाउंट हो। तो अगर आपको अकाउंट करना नहीं आता है तो ऊपर मैंने आई कार्ड पर एक लिंक दे दिया है कि आपको अपना JioSawan अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अब सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपका एक आर्टिस्ट अकाउंट है, अगर आप उसको वेरीफाई कराना चाहते हैं, उसके ऊपर एक ब्लू बैज या ग्रीन बैज लगवाना चाहते हैं जिससे कि वो थोड़ा प्रोफेशनल लगे, तो उसके लिए भी अगर आपको अपना अकाउंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई कार्ड पर दे दिया है, जो कि दोनों वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आज के अब बात आती है हमारे थर्ड टॉपिक की, यानी कि आज के टॉपिक की, हम अपनी प्रोफाइल पे कैसे सेट कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको पहले अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, फिर दूसरा उसको वेरीफाई कैसे कराना है। अब बात आती है हम अपनी यहाँ पर प्रोफाइल पिक कैसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं तो उसके बाद में जो है वो आपके सामने अकाउंट बिल्कुल ऐसा खाली खाली से लगता है, ना उस पर कोई पिक होती है, ना उस पर सोशल साइट्स होती हैं। तो बिल्कुल आप अगर फेसबुक पर भी बनाएंगे तो भी आपका अकाउंट बिल्कुल खाली रहता है, इंस्टाग्राम पर भी खाली रहता है। तो सेम यहाँ पर JioSawan पर होता है, अगर आपका अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद में आपका अकाउंट जो है वो बिना प्रोफाइल पिक के बिल्कुल खाली खाली से लगता है, मतलब उस अकाउंट में मज़ा नहीं आता। तो आपको प्रोफाइल पिक कैसे सेट करनी है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका अकाउंट जो है प्रोफेशनल लगे। साथ ही साथ मैंने आपको वेरिफिकेशन का बता दिया है और अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने ऊपर आपको लिंक दे दिया है। तो अब हम जो अपना प्रोफाइल पिक कैसे सेट करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने अपने जो इस पर वेरीफाई भी कराया हुआ है अकाउंट और अपना प्रोफाइल पिक भी लगाई हुई है। तो सेम प्रोसेस आपको अपनी प्रोफाइल पिक इस पर कैसे सेट करनी है उसके लिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर लाता रहता हूँ, क्योंकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और जो आपके टॉपिक्स हैं वो कमेंट करके भी ज़रूर बताया करो, क्योंकि आप जितने टॉपिक्स मुझको सजेस्ट करेंगे उतने ही मैं आपके टॉपिक्स क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाना चाहता हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, सॉन्ग के मतलब प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, JioSawan, स्पॉटीफाई, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट ज़रूर से किया करो, उससे मुझे अगली वीडियो का टॉपिक भी मिल जाता है और मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस भी क्लियर करने को मिल जाते हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर से कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जितने मैसेज आते हैं मैं उनका रिप्लाई ज़रूर से करता हूँ। अगर मेरे से मदद हो पाती है तो मैं बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि मैं मदद करने के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको जो मैं बताता हूँ वो आपको यहाँ पर डाल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है JioSawan आर्टिस्ट लॉगिन। तो आपको यहाँ पर ये गूगल पर सर्च कर देना है, उसके बाद में जो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी इसको यहाँ पर आपको जो है वो ओपन कर लेना है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट भी जाकर इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले वाले लिंक पर इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में जो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जब मैं आपको बता दूँ, जब आपका अगर अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पर ये आपका जो है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने की वीडियो मैंने आपको बता दी है, ऊपर बेल आइकन पर है, आप जाकर वहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पर आपको अकाउंट का यहाँ पर ईमेल और उसका पासवर्ड जो है वो यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड और ईमेल डाल दिया, उसके बाद में मुझे यहाँ से जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में मेरे सामने जो कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा, आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाइड भी है। इसके आगे जो है वो यहाँ पर ब्लू टिक या ग्रीन टिक आप इसको कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये लगा हुआ है। यहाँ पर मेरे प्रोफाइल पिक भी ऑलरेडी यहाँ पर चढ़ी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर आपको बिल्कुल एनालिटिक्स की तरह मिलेगा कि आपके यहाँ पर कितने यहाँ पर मंथली के व्यूवर्स हैं, कितने मंथली के लिसनर्स हैं, कितने स्ट्रीम्स आपकी सॉन्ग की हुई हैं। उसके बाद में आपको यहाँ जब ये वाला आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा उसके बाद में आपको जो है वो यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, प्रोफाइल पर आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एडिट प्रोफाइल, एक आएगा मैनेज टीम। तो मैनेज टीम पर तो आपको यहाँ पर अपने आर्टिस्ट के जो आपके हिट गाने हैं वो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और यहाँ पर सोशल आप जो है लिंक देख रहे हैं ये सोशल लिंक्स भी आप जो है अपनी प्रोफाइल पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको ऐड करने के लिए इन पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आप जो है वो सिंपली यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हैं एडिट प्रोफाइल पर जाने के बाद।
तो ये लिंक्स मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, अगर आपको करना है तो ऐड प्रोफाइल पर जाकर आप जो है वो लिंक ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको लिंक ऐड करना भी बता दूंगा इसी वीडियो में। तो एडिट प्रोफाइल पर आपको जाना है, एडिट प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको मैं पहले लिंक बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो है वो प्रोफाइल पिक का बता दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने लिंक जो है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव कर देना है। अगर आपका विकीपीडिया पर आर्टिकल है तो आप विकीपीडिया का लिंक भी यहाँ पर दे सकते हैं, यूट्यूब का दे सकते हैं, इंस्टाग्राम का दे सकते हैं, ट्विटर का दे सकते हैं, फेसबुक का भी दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हैं अपनी अगर आपको करनी है। उसके बाद में आपको जाना है चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं आपको सबसे पहले पिक्चर का साइज वगैरह और जो उसकी गाइडलाइंस हैं, इसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो पिक्चर का जो मिनिमम डायमेंशन है वो 1000x1000 होनी चाहिए, यानी कि 1000x1000 पिक्सल के अंदर वो डायमेंशन होनी चाहिए उसकी, जो आपकी प्रोफाइल पिक होने वाली है। और फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPEG और PNG में होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जो साइज है फोटो का वो 20 MB होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर द फोटो इफ़ यू एंड और योर ब्रांड, आपकी जो प्रोफाइल पिक होगी वो आपकी हो या आपकी ब्रांड की, यानी कि आपकी बैंड की हो, ठीक है ना। उस पर कोई लिरिक्स हो, ना एड्स हो, ना प्रमोशन हो, आपकी सिंपल एक क्लीन जो है प्रोफाइल पिक होनी चाहिए। उसके बाद में योर फुल फेस शुड बी विजिबल, आपका पूरा फेस उस पर क्लियरली दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई ब्लर आ रहा है उस पर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ना साइड में ब्लर होना चाहिए, ना कहीं पर। उसके बाद में इट शुड नॉट इंक्लूड एनी मटेरियल दैट आर ऑफेंसिव, उस फोटो में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि गलत हो या ऑफेंसिव हो। उसके बाद में प्रोफेशनली शूट इमेज आर रिकमेंडेड, जो प्रोफेशनली शूट इमेज हो आपकी, जो बिल्कुल अच्छी लगती हो देखने में, क्लियर हो एकदम, वो यहाँ पर अपलोड हो सकती है। उसके बाद में आपको ऊपर आना है और फोटो को अपलोड करने के सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी फाइल से जो है वो अपनी सेलेक्ट प्रोफाइल फ़ोटो कर लेनी है। उसके बाद में आप जब इसको अपलोड करेंगे तो आपकी तुरंत भी अपलोड हो सकती है और ये थोड़ा टाइम भी ले सकती है। आपको डरना नहीं है अगर आपकी प्रोफाइल पिक यहाँ पर JioSawan पर अपलोड करने के बाद जो है वो शो नहीं हो रही है। मेरी ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड है तो मैं यहाँ पर दूसरी अपलोड नहीं करूँगा। तो अगर आपकी प्रोफाइल पिक अपलोड करने के बाद JioSawan एप्लीकेशन के आर्टिस्ट अकाउंट पर नहीं शो होती है तो 1 वीक के अंदर अंदर वहाँ पर वो अपडेट हो जाएगी, आपके पास एक मेल आ जाता है। उसके बाद में अगर आपको और भी इन चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, इस पर कोई भी दिक्कत आती है फिर भी, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपको प्रोफाइल कैसे सेट करनी है और आपको अपने लिंक्स कैसे यहाँ पर सेट करनी है, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा एनालिटिक्स इसका यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके JioSawan पर कितने मंथली लिसनर हैं, कितने मंथली स्ट्रीमर्स हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पर सॉन्ग्स का ऑप्शन भी है, इनसाइट्स का ऑप्शन भी है, जहाँ पर आप अपनी अकाउंट की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइस, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया JioSawan पर प्रोफाइल लगाने का, तो इसको आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, और आई थिंक आप भी ये प्रोसेस पूरा ध्यान से कर पाओगे और आपकी प्रोफाइल पिक भी सेट हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल पिक सेट होने में जब आपने वो वहाँ पर रिव्यू के लिए भेज दी है तो उसके बाद में थोड़ा समय भी लग सकता है और हाथों हाथ भी आपकी जो है प्रोफाइल पिक सेट हो सकती है, तो इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। लेकिन अगर आपने एक बार वो यहाँ पर रिव्यू में भेज दिया या अपलोड कर दिया तो आपकी कभी भी वो अपडेट हो सकती है। तो चिंता ना करें कि अगर आपकी प्रोफाइल पिक वहाँ पर शो नहीं हो रही है JioSawan एप्लीकेशन के अंदर, तो वो एक हफ्ते के अंदर ना होने लगती है, क्योंकि एक हफ्ते का मिनिमम टाइम होता है। जब मैंने की थी जब तो मेरी बिल्कुल एक हफ्ते के बिल्कुल एंड मौके पर ही हुई थी, तो अब तो फिर भी अपडेट वर्जन है JioSawan का, तो उस पर जो है वो हाथों हाथ भी हो सकती है, एक दो दिन में भी हो सकती है और 1 वीक में भी हो सकती है। तो आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से याद रखें, और यार कमेंट भी ज़रूर से करना, जैसे कि मैंने आपको बताया कमेंट हर वीडियो के नीचे ज़रूर से किया करो कि आपको इस वीडियो में जो समझाया वो समझ में आया, या फिर आपसे प्रोसेस हो पाया, या आपको अगली वीडियो का टॉपिक क्या चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आगे ही मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।